एक बार फिर से स्वागत है आपका मम्मीज मैजिक पर। आज हम बनाएंगे जेब्रा केक। जेब्रा केक इसका नाम इसलिए है क्योंकि जब आप इसे कट करेंगे ना तो जेब्रा की स्किन पर जो डिज़ाइन होती है वो इस केक पर होगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं कि ये केक कैसा बनता है। तो सबसे पहले आप एक बाउल में 100 ग्राम बटर लीजिए और उसके अंदर 200 ग्राम पाउडर्ड शुगर डाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 स्पून मिल्क पाउडर और 2 स्पून कंडेंस्ड मिल्क। अब हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब फ्लेवर के लिए हम इसमें आधा चम्मच वेनिला एसेंस डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसको ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से मिक्स कीजिए। इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये पेस्ट बहुत क्रीमी ना हो जाए। इस तरह एक क्रीमी पेस्ट आपको दिखेगा। ये देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो जब ये क्रीमी पेस्ट तैयार हो जाए उसके बाद आपको इसमें डालना है 400 ग्राम मैदा, मतलब 2 बाउल बड़े भरकर मैदा इसके अंदर डाल दीजिए और इसमें मिक्स कीजिए 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इनको अच्छे से छान लीजिए। अब इसमें तीनों चीज डल चुकी है। अब इसे थोड़ा सा आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें डालें थोड़े कुटे हुए बादाम और 2 स्पून कोकोनट पाउडर, 2 पिंच सॉल्ट अगर आप इसमें डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्टी हो जाता है। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब 1 कप मिल्क से 1 कप दूध से अब हमें इसमें पेस्ट बनाना है। याद रखिए पहले आप 1 कप मिल्क यूज़ करके इसको पेस्ट बनाइए। अगर ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा होता है तो आधा कप मिल्क और मिला लीजिए। आपको इसको इस तरह का पेस्ट बनाना है। ब्लेंडर की सहायता से हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे और जब तक कि इसमें क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए तब तक हम इसको ब्लेंड करेंगे। अब हमारा केक का बैटर एकदम तैयार है। याद रखिए इस तरह का टेक्सचर आपके बैटर में भी आना चाहिए। अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे अलग बाउल में, क्योंकि हमें जेब्रा की शेप देनी है तो हम अलग फ्लेवर बनाएंगे। उसके लिए आप एक पीस डार्क चॉकलेट का लीजिए, उसके अंदर 3 चम्मच चोको पाउडर मिक्स कीजिए। 2 चम्मच दूध के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम गरम करके इसको मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद ये चॉकलेट कुछ ऐसी हो जाएगी और ये चॉकलेट अब हम उस बैटर में डालेंगे। याद रखिए जो हमने आधा बैटर किया है ना उसमें उस चॉकलेट को मिक्स करना है। एक हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर का बैटर होगा और एक सिंपल फ्लेवर का। तो अब ये हमारा बैटर बन चुका है। अब हम बनाएंगे केक। उसके लिए आप एक कंटेनर लें, उसके अंदर एक पेपर बिछाएं, उसको थोड़ा ऑयलिंग करें। उसके बाद लेयर बाय लेयर अब हमको बैटर इसमें डालना है। याद रखिए एक एक बड़ा चम्मच पहले वाइट बैटर डालें फिर ब्राउन बैटर डालें, पहले वाइट बैटर डालें फिर ब्राउन बैटर डालें। ऐसे करते करते आप देखेंगे कि ये जेब्रा की डिज़ाइन इसमें फॉर्म होने लगी है। तो ये हमारा केक रेडी है। अब हम बनाएंगे होममेड ओवन। सबसे पहले हम एक बड़े पतीले में थोड़ा नमक डालेंगे और नमक को अच्छे से नीचे सरफेस पे बिछा देंगे। उसके बाद उसके ऊपर फॉइल पेपर रखेंगे और इस फॉइल पेपर के ऊपर हम अपना केक का कंटेनर रखेंगे। इस तरह संभाल के आप जस्ट ऊपर इसके केक का कंटेनर रख दीजिए, बिल्कुल इस तरह। अब हम इस पतीले को बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक होने के लिए रख देंगे। इससे हमारा केक बेक होगा। इसको आप प्लेट से ढकें और इसके ऊपर कुछ वेट रख दें। अब आप इसको 50 से 60 मिनट बाद जब चेक करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा कम्प्लीटली बेक हो चुका है और हमें लगभग 1 घंटा लगा है इसको बेक करने में। इसको चेक कीजिए ऐसे चाकू डाल के। अगर चाकू पे कुछ नहीं आता तो इसका मतलब कि ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको संभाल के बाहर निकालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। याद रखिए इसको ठंडा करना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना ये बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह आप इसको उल्टा करके बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा टैप टैप छप छप करके इसको बाहर निकालेंगे और ये हमारा शानदार केक, एकदम परफेक्ट केक बाहर निकल रहा है। अब इसको हम थोड़ा सीधा करेंगे और देखेंगे इसका फ्रंट पार्ट कैसा है। तो ये हमारा टेस्टी टेस्टी डिलीशियस फ्रंट पार्ट है। अब इसको हम थोड़ा काट के देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या जेब्रा की डिज़ाइन आती है या नहीं। तो हमने इसको काटा
और जब इसको हमने देखा तो हमें ये जेब्रा की लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। भले ही ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं है, बट ये खाने में, विश्वास कीजिए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की होममेड रेसिपीज़ और टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है? तो हम आपको मिलेंगे अगली ही रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।